पहले बॉक्सिंग करता होता था, तो फिर मेरा बॉक्सिंग में इतना अच्छा मैं बेस्ट नहीं दे पाता था और मेरे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी बॉक्सिंग प्लेयर्स नहीं था, तो इस वजह से मेरे को ट्रेनिंग करने में बहुत परेशानी होती थी। तो फिर मैं साइकिलिंग शुरू किया, तो फिर साइकिलिंग में मेरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, मैं उनके पीछे पीछे चला चला के जब मैं 12 साल का था तब मैंने शुरू किया था, और आज मेरे को काफ़ी साल हो गए, काफ़ी टाइम हो गया साइकिलिंग करते हुए। और बीच में मैं डाउनफॉल भी आया था जिसमें मैं नीचे गिर गया था, मेरी परफॉर्मेंस नीचे चली गई थी और मैं नेशनल मेडल के लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया था नेशनल मेडल लेना। फिर मैंने मेरे हालातों से, मेरे घर से, हर चीज़ से मैंने सीखा कि अगर मैंने अच्छा नहीं किया तो अगर मैं वहाँ पर जाके गिर जाऊँगा जहाँ पर बहुत जाके मुझे पछताना पड़ेगा, तो इसलिए फिर मैंने दोबारा से उस चीज़ को, घर को और उस सब चीज़ों को देख के दोबारा मोटिवेट हुआ और मैं दोबारा कमबैक किया। और फिर अभी तक मेरे को फिर जुनून और फिर मेडल आए, फिर मेरे को बहुत ज़्यादा हौसला मिलता रहा और फिर मैं कंटिन्यू चलता रहा। हाँ, जब मैं डाउनफॉल से चला गया था ना, तो उसके बाद जब मैंने कमबैक किया था एक डेढ़ साल बाद, तो जब मैंने फर्स्ट मेडल मारा था वो नेशनल मेडल, मेरे को मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की थी कि मैं अभी इतना मेरे को मुश्किल नहीं लगता, अब तो बहुत आसान लगता है, वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगी थी। तो इसलिए उस टाइम जब वो मेरा मेडल आया था वो सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी, और उस टाइम तो गुस्से में और जुनून में बहुत अच्छी साइकिल चली थी। तो इसीलिए जी मैं बिल्कुल जूनियर प्लेयर्स को एडवाइस देना चाहूँगा कि आप सब लोग अपने दुखों को लेके रो मत, अपने आपके पास जो चीज़ नहीं है उसके लिए रो मत, आप बस करो, कोऑपरेट करो, हर चीज़ को इधर उधर से करो, आप करो करो। अगर आप ये सोचोगे ना, अगर आप रोओगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे, बस आप रो मत कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, आपके पास हर चीज़ आ जाएगी, बस आप करते रहो तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। हाँ, सब ने बोला, सब चाहते थे कि मेरे को गेम करवाना, सब ने कहा था कि कोई भी आप एक गेम चूज़ कर लो, तो वो मेरे पे छोटा था, घर वालों ने कोई गेम चूज़ करना तो मैंने किया था। हाँ जी, मेरे घर वाले बहुत कहने लगे, बहुत बचपन से वो सपोर्टिव थे कि मैं स्टडी में इतना अच्छा नहीं था, तो वो चाहते थे कुछ ना कुछ तो करे ये करके, तो फिर वो गेम के लिए हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे, हर वक्त उन्होंने मेरा साथ दिया। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम आती थी मैं उनको हर चीज़ बताता था, वो उस चीज़ को सॉल्व।